तो हेलो गाइज, आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहे हैं। बहुत ही औसम तरीका का एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए मैं एक छोटा सा लेयर बना लेता हूँ बाबू सा, और देख रहे हैं मैं एक ब्रश को यूज कर रहा हूँ। इस ब्रश को यूज करने पर देख सकते हैं हमारी फेस पर लाइट आएगी। आप लोग मेरी सेटिंग को कर सकते हैं, देख रहे हैं किस तरह का घसा रहा है। आप इसको विड्रॉल करते रहिएगा, हाथ से घसते रहिएगा, बहुत ही खतरनाक लुक आप लोगों के बीच में दिखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूले मेरा दोस्त। अगर 1K सब्सक्राइब आप पूरा देते हैं ना, तो मैं इससे भी बहुत धांसुर तरीका का वीडियो मैं लेकर आऊँगा, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। मैं इसमें बस दो तीन ही काम बताया हूँ जिससे कि फेस स्मूथिंग कर सकते हैं और फेस पर लाइट आ सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को अब थोड़ी फास्ट कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा समय आप लोगों को ना लगे। अब फास्ट कर दिया हूँ, आप लोग बने रहे मेरे चैनल पर। देखिए तो मेरा फेस पूरा तरह से अच्छा कर दिया हूँ। इस लेयर में जाने के बाद सॉफ्ट लाइट क्लिक करिएगा। सॉफ्ट लाइट क्लिक करके आप अपने फेस को देखिए, ऐसा टाइप का एक आएगा, और इससे आप लोग अपनी हिसाब से फ़ोटो हिसाब से कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से रख लेता हूँ। तो गाइज, आप लोग देख रहे हैं मेरा फेस बहुत ही हार्ड हो गया है, जो कि फेस पर लाइट आ चुका है। फेस पर लाइट आने के बाद अब लोगों के बीच में अगला स्टेप बताने वाला हूँ, जो कि फेस स्मूथिंग किया जाएगा। तो आप लोग भी बने रहें, एक फिर से एक लेयर बना लेंगे डुप्लीकेट। जो मेरा पहला फ़ोटो है उसका सेंसिटिविटी आप लोग देख ही लिए होंगे। इस सेंसिटिविटी में आप लोग देख सकते हैं मैं एक डुप्लीकेट लेयर बना लिया हूँ। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद एक ब्रश को यूज कर लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ब्रश है। पीछे आप लोग करके मेरा देख सकते हैं, कोई स्टेप का ब्रश है, स्क्रीन पर दिख रहा है। अब मेरा फेस स्मूथिंग स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए बहुत ही गजब का फेस स्मूथिंग है भाई। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे, आप इस वीडियो को देखिए, बहुत ही गजब तरीका से ये वीडियो भाई कि मतलब कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। ब्रश को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कौन सा ब्रश है, आप जा करके क्लिक कर सकते हैं और उस ब्रश को मेरे हिसाब से सेटिंग रखिए भाई, अपने हिसाब से सेटिंग रखिए। लेकिन बहुत ही हार्ड तरीका का फेस स्मूथिंग हो रहा है भाई। तो मैं इसमें भी थोड़ी वीडियो को अब फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भाई ज़्यादा समय ना लगे। तो चलिए गाइज, मैं इस भी वीडियो को थोड़ी फास्ट कर दे रहा हूँ। और मैं बहुत जल्दी अच्छा देखने में लगेगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और 1K लाइक भाई, 1K लाइक चाहिए यार। और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कहाँ परेशानी है ऑटोडेक्स के अंदर में, ऑटोडेक्स ऐप के अंदर में। मैं हर परेशानी को यार मैं उठा सकता हूँ और मैं आप लोगों को बता सकता हूँ मेरा भाई। आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को, थोड़ी मैं फास्ट कर दिया हूँ वीडियो को। तो देख रहे हैं मेरा फेस स्मूथिंग अब हो चुका है। अब भाई कुछ करना नहीं है, अब इसको फेस स्मूथिंग करने के बाद एक और लाइट की प्रक्रिया की जा रही है, जो अगली ब्रश में मैं बताने वाला हूँ। खाली आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए ना भाई, आप लोग को बीच में बहुत ही हार्ड तरीका का एडिटिंग लाऊंगा। अभी तो मैं बस इसमें फेस स्मूथिंग बता रहा हूँ। तो देख रहे हैं मेरा फेस स्मूथिंग हो चुका है। अब थोड़ी ईयर बाकी है, ईयर को भी मैं पूरा कर लेता हूँ। देख रहे हैं मेरा गैज हो चुका है मेरा भी, जो कि बहुत ही गजब तरीका का स्मूथिंग है भाई। आप लोग बस मेरे चैनल पर बने रहिए भाई, बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि 1K सब्सक्राइब पूरा दीजिए यार। अब मैं एक लेयर और बना लिया हूँ और इस ब्रश को ले रहा हूँ, जो कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रही होगी भाई। सॉफ्ट एयर ब्रश है भाई, सॉफ्ट एयर ब्रश पर जाने के बाद एक कलर सेलेक्ट कर ले ली है, जो कि HSL
और उसमें मेरा स्ट्रेचिंग देख रहे हैं कितना कितना है, उसमें अपने हिसाब से सॉफ्ट लाइट पर क्लिक कीजिएगा और उस लेयर वाले को भी सॉफ्ट लाइट कर दीजिएगा। अब इसमें देख रहे होंगे, आप लोग को साबित करके दिखाऊंगा कि इससे कितना भी लाइट ऑसम तरीका से यार बन रहा है, आप लोगों को कोई भारी नहीं यार, इजीली है। और इससे बढ़िया एडिटिंग यार कोई नहीं सिखा पाएगा, सब ज़्यादातर फेक ही मार देते हैं यार, लेकिन इस वीडियो में कोई फेक वेक नहीं है, आप लोग के सामने में देख रहे हैं आप लोग कि ये रियल है। मेरे वीडियो को बस यार लाइक और कमेंट करना ना भूले मेरा दोस्त। अब एक मैं लिप्स पर कर दूंगा, एक मैं लिप्स वाले लेकर आऊँगा जिसमें भी एक लेयर, जिसमें मैं एक लेयर बनाऊँगा। लेयर बनाने के बाद मैं कुछ लिप्स पर छोटा ब्रश लेऊँगा। देखिए तो मैं ले चुका हूँ एक ब्रश, उसका सैचुरेशन देख रहा हूँ कि भाई कितना लाइट मुझे रखना है, अपने फ़ोटो हिसाब से लाइट को रख लेना। एक लेयर बना दिया भाई, लेयर बनाने के बाद देखिएगा ब्रश कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ, उस ब्रश को आप गौर से देखिएगा, देख सकते हैं। तो भाई मीडियम ब्रश ले चुके हैं, मीडियम ब्रश लेने के बाद भाई सॉफ्ट लाइट पर क्लिक करके देखिए, मैं सॉफ्ट लाइट पर क्लिक करूँगा। सॉफ्ट लाइट पर क्लिक करने के बाद आप लोग लेयर को छोड़ दीजिएगा और एक लाल कलर की आप जैसी लिप्स पर रखना चाहते हैं भाई वैसी कलर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैं तो रेड रख रहा हूँ भाई। और देख सकते हैं सेंसिटिविटी मेरा कैसा है सेटिंग में जा कर के। और भाई मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखते हैं आप। मैं अपने हाथ को उस पर लिप्स पर घसना स्टार्ट कर दिया, तो मैं थोड़ी जल्दी हो गया भाई, वीडियो कोई बड़ी नहीं है, छोटी वीडियो बनाया है आप लोग ताकि समझ सके कम समय में, थोड़ी इसको भी लिप्स को थोड़ी अच्छी तरह से वीडियो सॉरी अच्छी तरह से इसको घस लेना है। मैं थोड़ी वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ यहाँ पर भाई ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय ना लगे।